आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज योर फ्लावर को आप टाइप्स में डिफाइन करते हो बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ओवरी। ओवरी का पोजीशन बाकी फ्लावरल पार्ट से ऊपर है, नीचे है या सेम रिम पे है। बेस्ड अपॉन दैट हमने फ्लावर को तीन डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। ये तीन डिफरेंट टाइप पे ही आपका हर साल क्वेश्चन बन जाता है कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ओवरी इसमें सुपीरियर है, इंफीरियर है एंड एग्जांपल्स क्या है। ये तीन बातें अगर आपको याद रह गई तो आप एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को पक्का से सॉल्व कर पाएंगे। हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बिलो और गाइनस मीन्स ओवरी, विच मीन्स ओवरी का पोजिशन नीचे है। आप ये सोच जाते हैं दिस इज द पोजिशन ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लावरल पार्ट्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, MCB। गाइनस वर्ड मतलब मैम ओवरी, एपी मींस मैम अबव, तो ओवरी है अबव पोजीशन में या बाकी फ्लावर पार्ट्स? नहीं मैम, आपने कहा था गाइनस के आगे जो वर्ड होगा इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लावरल पार्ट्स। अब क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल माय डियर किड्स आर नंबर 1 गुआवा, नंबर 2 कुकुम्बर एंड नंबर 3 रे फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है। पेरिगाइनस में आपकी ओवरी एंड बाकी सारे फ्लावरल पार्ट्स ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। ओवरी का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द फ्लावरल पार्ट्स वो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम ओवरी को यहाँ पे हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बुला देते हैं। एग्जाम्पल मेरे प्लम, पीच एंड रोज हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्या। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों का इस अमेजिंग से शॉर्ट सीरीज में, जिसमें आपको कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसपे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज योर फ्लावर को आप टाइप्स में डिफाइन करते हो बेस्ड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ओवरी। और इस एक टॉपिक के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। नीट 2020 में तो इस एक टॉपिक पे दो क्वेश्चंस आपके आ गए थे, तो इस टॉपिक के एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए। सिर्फ तीन ही टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, वो तीनों टाइप ऑफ फ्लावर हमें टिप्स पे याद होने चाहिए अलोंग विद ऑल द एग्जांपल्स जो इस टाइप ऑफ फ्लावर में फॉल करते हैं। तो आज हम समझेंगे इस टॉपिक के बारे में थोरोली, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में यू आर हैविंग होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। अगर हम बात करें बच्चे पोजिशन ऑफ ओवरी के हिसाब से फ्लावर जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द गाइनोजियम, गाइनोजियम की पोजीशन के हिसाब से ऑन द थैलेमस इन रिलेशन टू अदर फ्लावरल पार्ट्स फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। अगर मैं फ्लावर की बात करूं बच्चे, तो वी हैव दिस थैलेमस वाला पार्ट। थैलेमस पे आपका ये सेंट्रल मोस्ट पोजीशन पे मेरी गाइनोजियम हो जाती है, ये मेरी गाइनोजियम है, ये मेरे एंड्रोजियम हो जाते हैं, दीज आर माय एंड्रोजियम, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है। देन जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है विच इज दिस वन, दीज वंस आर माय पेटल्स, जिसको कि ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं, एंड जो लास्ट में छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ये मेरा कैलेक्स या सेपल हो जाता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है आपके फ्लावर का, दीज वंस आर योर कैलेक्स, दिस इज योर पेटल्स, दीज वंस आर योर एंड्रोजियम एंड दिस सेंट्रल पोजिशन इज योर गाइनोजियम। यहां लिख रही हूं, दिस इज योर गाइनोजियम। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फ्लावर को बेस्ड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ओवरी, जो गाइनोजियम है ये आपका ओवरी हो गया, ओवरी का पोजिशन बाकी फ्लावरल पार्ट से ऊपर है, नीचे है या सेम रिम पे है। बेस्ड अपॉन दैट हमने फ्लावर को तीन डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है। वो तीन डिफरेंट टाइप है आपकी हाइपोगाइनस,
एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस, ये तीन डिफरेंट टाइप पे ही आपका हर साल क्वेश्चन बन जाता है। तो जो तीन टाइप है बच्चे, हाइपो एपी एंड पेरिगाइनस, इस डायग्राम में आप देखिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, दिस फर्स्ट वन इज योर हाइपोगाइनस, ये आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है। बी एंड सी ये दोनों ही आपके पेरिगाइनस फ्लावर हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आपको समझाती हूं। एंड दिस वन इज योर एपिगाइनस, ये आपका एपिगाइनस हो जाता है। डिटेल में समझते हैं तीनों टाइप ऑफ फ्लावर्स को। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन की, विच इज योर हाइपोगाइनस फ्लावर, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान देना, हमें याद नहीं रह पाता है और एग्जामिनर इसी बात का फायदा भी उठाता है। हमें याद करना है बेसिकली कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ओवरी इसमें सुपीरियर है इंफीरियर है एंड एग्जाम्पल्स क्या है। ये तीन बातें अगर आपको याद रह गई तो आप एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को पक्का से सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे मुझे याद हो, देखिएगा, हाइपोगाइनस बच्चे, गाइनस का मतलब होता है आपका ओवरी, गाइनस वर्ड जो है गाइनोजियम से लिया हुआ है, मतलब हम यहां पे ओवरी की बात करेंगे, ठीक है। अब हाइपो मींस बिलो, हाइपो मींस बिलो, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपो मींस बिलो और गाइनस मींस ओवरी, व्हिच मींस ओवरी का पोजीशन नीचे है, आप ये सोच जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देना गाइनस के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है, दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, This is the position of rest of the floral parts. Rest of the floral parts. तो ध्यान देना मेरी बात पे, hypogynous flower के अंदर आपके बाकी floral parts ovary से नीचे है, हाइपो मींस नीचे, तो ओवरी कहां हुआ, ओवरी का पोजीशन ऊपर हुआ, तो ये ओवरी कैसी हुई, बोलो मैम, सुपीरियर ओवरी हो गई, ये तो कैसी हुई जी, सुपीरियर ओवरी हो गई। डायग्राम में एक बार मैं आपको दिखा देती हूं, ये मेरा हाइपोगाइनस है, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये मेरा ओवरी का पोजीशन है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स, बीट योर एंड्रोजियम, बीट पेटल्स, बीट कैलेक्स, ओवरी के नीचे प्रेजेंट है, तो ओवरी क्या हो गई, ओवरी इज सुपीरियर इन द पोजीशन एंड दिस इज योर टिपिकल हाइपोगाइनस फ्लावर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो हाइपोगाइनस फ्लावर को याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है, गाइनस मींस ओवरी, जो हाइपो वर्ड है, दिस इज विद respect to the rest of the floral parts which are present, तो बाकी सारे floral parts नीचे present है ovary से, इसलिए आप इसको hypogynous कहते हैं, तो मेरा ovary हो गया superior ओवरी, ठीक है। अगर डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि ये आपका stigma, style and ओवरी हो जाता है, एंड अगर मैं बात करूं बाकी फ्लोरल पार्ट्स की, यहां से मेरा एंड्रोजियम निकल गया है, उपसी, यस, यहां से मेरा एंड्रोजियम निकल गया है, ये मेरे ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हो गए हैं, एंड दिस इज माय कैलेक्स, ये मेरा कैलेक्स हो गया, तो दिस इज हाउ योर फ्लावर विल लुक लाइक, ये आपका हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया, जहां पे कि आपकी ओवरी इज सुपीरियर इन द पोजीशन एंड बाकी फ्लावर पार्ट्स आर उसके नीचे, दे आर जस्ट बिलो इट, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, MCB, तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये तीन प्लांट के अंदर, ये टिपिकली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसमें आपको हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, सेकंड हो गया आपका एपिगाइनस फ्लावर। अब आप खुद ध्यान दीजिए, गाइनस वर्ड मतलब मैम ओवरी, एपी मींस मैम अबव, तो ओवरी है अबव पोजीशन में या बाकी फ्लावर पार्ट्स, नहीं मैम, आपने कहा था गाइनस के आगे जो वर्ड होगा, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स,
ठीक बात है, विच मीन्स कि बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ऊपर है देन द ओवरी, दैट्स व्हाई आप इसको एपिगाइनस कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम में ये मेरा एपिगाइनस फ्लावर हो जाता है। देखिए ओवरी नीचे है, मतलब थैलेमस ने ऊपर तक ऐसे कवर कर लिया है, ओवरी आपका नीचे है। ये मेरा कैलेक्स है, ये मेरे कोरोला है, ये मेरा एंड्रोजियम है। तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स आप देख पा रहे हैं ओवरी से ऊपर है। तो ओवरी क्या हुई, सुपीरियर की इंफीरियर। मैम ओवरी हो जाएगी मेरी इंफीरियर। तो माय डियर किड्स, योर ओवरी इन दिस केस विल बी इंफीरियर ओवरी बिकॉज बाकी फ्लावर पार्ट्स आपके ऊपर प्रेजेंट है। थैलेमस ने इनक्लोज कर लिया है, थैलेमस हैज इनक्लोज्ड योर ओवरी, दैट्स वाई ओवरी बिकम्स इंफीरियर एंड बाकी फ्लावर पार्ट उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल माई डियर किड्स आर नंबर वन गुआवा, नंबर टू कुकुम्बर एंड नंबर थ्री रे फ्लॉरेट्स ऑफ सनफ्लावर, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आया है। मैंने कहा नीट 2020 में इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन आपके आए हुए थे, दोनों एग्जाम्पल बेस थे, और हर साल इस टॉपिक पे आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कम से कम समय में मैं आपको समझा रही हूं ताकि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को गलत ना करके आएं। ठीक है, तो गुआवा कुकुम्बर रे फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर में आपको देखने को मिलता है एपिगाइनस फ्लावर। मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी व्हिच इज पेरिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे फ्लावर पार्ट्स नीचे है। एपिगाइनस के अंदर ओवरी इनफीरियर है, बाकी सारे फ्लावर पार्ट्स ऊपर है। पेरिगाइनस में आपकी ओवरी एंड बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। व्हिच मींस जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं दे आर एट द रिंग पोजीशन, वो ऐसी पोजीशन पे है जहां पे ओवरी और उनके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में मैं ओवरी को बुलाती हूं, माई ओवरी विल बी हाफ इनफीरियर, इट इज हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर। ये आपकी हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवरी हो जाती है, उसको मैं पेरिगाइनस फ्लावर कह देती हूं। एग्जाम्पल की बात करें तो पी स्क्वेयर आर द एग्जाम्पल। व्हाट इज पी स्क्वेयर, इट इज प्लम पीच एंड आर इज रोज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पेरिगाइनस पे तो हर साल क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो मेन आपके एग्जाम्पल से जो आपको याद होने चाहिए, प्लम पीच रोज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर पेरिगाइनस फ्लावर, जिसमें आपका ओवरी का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द फ्लावर पार्ट्स वो ऑलमोस्ट सेम पोजिशन पे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम ओवरी को यहाँ पे हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बुला देते हैं। एग्जाम्पल मेरे प्लम पीच एंड रोज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो बच्चे एक सेक्शन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है विच इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हुई है वो एज इट इज मैंने दी हुई है। मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी की ये तीन लाइन को आप जरूर जरूर अंडरलाइन कर ले बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। द फर्स्ट इज इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोजियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, उसके नीचे प्रेजेंट है। तो ओवरी मेरी सुपीरियर है, एग्जाम्पल मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड आपका इफ गाइनोजियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट सेम पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो आप उसको पेरिगाइनस कहते हैं। प्लम रोज एंड पीच, पी स्क्वेयर एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ योर पेरिगाइनस। इन एपिगाइनस फ्लावर the margins of thalamus grows upward enclosing the ovary completely, ovary completely enclosed ho chuki hai and getting fused with it, the other part of the flower arise above the ovary, examples would be your guava cucumber and ray flowerets of the sunflower। all right, so based upon this ek question hum solve karte hain, aap log mujhe batao is question ka answer। question hai the ovary is half inferior in
हाफ इंफीरियर, याद करो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ये तो मैम पेरीगाइनस फ्लावर में था, किस में था बच्चे, पेरीगाइनस में, उसके एग्जांपल याद करो, पेरीगाइनस फ्लावर के एग्जांपल मैम पी स्क्वायर आर हो जाते हैं, विच इज प्लम पीच एंड रोज, देख लो ब्रिंजल जी नहीं, मस्टर्ड जी नहीं, सनफ्लावर जी नहीं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज प्लम, करेक्ट बात है। नेक्स्ट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, का आंसर आप मुझे देंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली आप बच्चों के कमेंट्स देखूंगी, एक एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर जरूर वहां पे दिया जाएगा। ऐसे कोई भी टॉपिक हो जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी जिस जो कि आपको दिक्कत दे रहा है हाल फिलहाल, ठीक है बच्चों। तो सेशन को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने कमेंट्स जरूर इसमें डालना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।